हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप कॉर्न लेंगे। ये स्वीट कॉर्न है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल के और थोड़ा सा एक दो चम्मच पानी डाल के पीस लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब हम कुछ सामान लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप बीन्स, एकदम बारीक काटनी है ये भी, 2 हरी मिर्च ऐसे बीच से काट ली है, 2 से 3 कली लहसुन की ये भी बारीक काट लिया है, और 1 अदरक का टुकड़ा इसको भी बारीक कर लिया है। और हम लेंगे 1/4 कप अमेरिकन स्वीट कॉर्न। अब एक कढ़ाई हमने गैस पे पहले से गरम करने रख दी थी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, इसको ज़्यादा रेड नहीं होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, इसको थोड़ा सा हम मोल लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे इसको। अब इसमें हम बीन्स और गाजर भी डाल देंगे। अब इसके साथ हम इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। अभी हम इसको कम से कम 50% पका लेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हमने इसको आधा पका लिया है, करीब 5 मिनट हमने इसे ढक के रखा था और बीच में एक बार चला दिया था। अब जो पिसा हुआ स्वीट कॉर्न है हम उसे इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। अभी हम इसमें बॉईल आने देंगे और लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसको पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने लिया है 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इस कॉर्नफ्लोर को हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और ये अब गाढ़ा होने लगेगा। अब देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, करीब इसे 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे नॉन फ्रूट वेनेगर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने सब चीज़ें डाल के इसे 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा स्वीट कॉर्न सूप एकदम तैयार है और ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको जब भी कुछ हेल्दी खाने का मन हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपका पेट भी भरेगा और लाइट आपको खाना भी लगेगा। मैं आपको दिखाऊं कि एकदम रेस्टोरेंट जैसा बना है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।